कुछ ऐसे मौके आते हैं जब भावनाएं व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। बीप्राग आज बालाजी के आंगन में ऐसे ही एहसासों को आवाज़ दे रहे थे। उनकी भावनाएं पूज्य महाराज श्री और बालाजी के लिए प्रकट हो रही थी और हर दिल को छू रही थी। महाराज जी से आग्रह है कि उन्हें पट्टिका भेंट कर और आज की इस शानदार संध्या की स्मृतियों को संजोने के लिए एक स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें अपना आशीर्वाद दें। बीप्राग बागेश्वर धाम बगिया की एक सुरीली आवाज जो निरंतर हमारे बीच आती रहेगी। इस पंचम बुंदेलखंड महोत्सव में आज छठवें दिन उनकी प्रस्तुति से ये आयोजन नई ऊंचाई को प्राप्त हुआ है। आप सभी करतल ध्वनि से बीप्राग को अपनी शुभकामनाएं दें कि वो जहां जहां जाएं बालाजी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। ये प्रथम मंच को पूरी तरह से खाली कर दें। ये व्यासपीठ वाला मंच है, सब लोग यहाँ से उतर जाएं। ये पैंट पहने बेल्ट पहने बहुत सारे लोग चढ़ाए हैं। सेवादार जो प्रथम मंच की व्यवस्था में है इसको खाली करा लें पहले मंच को। मंच पर बहुत सारे लोग आ गए हैं, इनको सबको थोड़ा नीचे पहुँचाना है क्योंकि अभी महाराज श्री का आशीर्वचन और प्रश्नोत्तरी भी होनी है। दो बच्चे हैं उनको बस बैठे रहने दें, वो लपकुश में उनकी एक प्रस्तुति है। बाकी लोग साधु संतों के द्वितीय मंच पर आ जाएं, सभी लोग नीचे पहुंच जाएं, कॉरिडोर में पहुंच जाएं। ये व्यासपीठ के मंच को खाली कर दें, पहले मंच को खाली कर दें, सभी लोग नीचे पहुंच जाएं। आप लोग भी इस तरफ आ जाएं। महाराज जी अभी आशीर्वचन पूज्य महाराज श्री का होना है। बीप्राग की पूरी टीम को महाराज श्री आशीर्वाद स्वरूप पट्टिका भेंट करें। ये सुंदर हनुमान जी भी बीप्राग को पूज्य महाराज श्री ने भेंट किए हैं ताकि ये सदैव उनके साथ रहें, उनकी रक्षा करें और उनके जीवन में मंगल ही मंगल हो। पूरी टीम को पूज्य महाराज श्री आशीर्वाद देते हुए बहुत ही शानदार आज की संध्या रही। मुंबई से हमारे बीच थे बीप्राग और उनकी पूरी टीम जिन्होंने बालाजी को रिझाने के लिए कई प्रस्तुतियां देकर हम सबका हृदय गदगद कर दिया। उनकी सुरीली प्रस्तुतियों के साथ ये पंचम बुंदेलखंड महोत्सव एक नई ऊंचाई को प्राप्त हुआ है।